महाराष्ट्र में मंदिर पर शुरू हुई सियासी बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी से शिवसेना तिलमिला गई है। हिंदुत्व पर राजनीतिक रोटियां सेककर सीएम की कुर्सी पर बैठे उद्धव से राज्यपाल ने कुछ सवाल क्या पूछ दिया, अब शिवसेना राज्यपाल को ही हटवाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना अपने सहयोगियों कांग्रेस और एनसीपी के साथ चर्चा के बाद राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने को लेकर कोई फैसला लेगी। वहीं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। इसमें शरद पवार ने कहा कि वो राज्यपाल द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर हैरान और आश्चर्यचकित हैं। वहीं प्रदेश में मंदिर खुलवाने को लेकर अब बीजेपी भी भूख हड़ताल पर बैठी है। और बीते दिनों राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी उद्धव को जमकर सुनाया। आपको बता दें कि राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर कोविड गाइडलाइंस के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने का अनुरोध किया था। राज्यपाल ने चिट्ठी में लिखा था कि आप हिंदुत्व के बड़े तरफदार रहे हैं, आपने अयोध्या जाकर भगवान राम के लिए अपना समर्पण सार्वजनिक रूप से जाहिर किया था, आपने पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए थे और आषाढ़ी एकादशी पर पूजा की थी। मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या आपको धार्मिक स्थलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया को बार बार टालने के लिए कोई दिव्य संदेश मिल रहा है, या फिर आप खुद सेकुलर बन चुके हैं जो आपको खुद कभी पसंद नहीं था। और इस चिट्ठी के बाद ही उद्धव भड़क गए। सवाल पड़ा है कि आखिर हिंदुत्व पर राजनीति करने वाले उद्धव को कोश्यारी की बात क्यों इतनी बुरी लगी। कहीं कांग्रेस और एनसीपी के दबाव के आगे तो सेकुलर का ढोंग नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मंदिर पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। असम सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में मदरसे सरकारी खर्च से संचालित नहीं होंगे। इसके बाद अब मदरसों को कांग्रेस ने कुंभ मेले से जोड़ दिया है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित ट्वीट किया है और मुसलमानों का हिमायती बनने की कोशिश की है। उदित राज ने सवाल किया कि जब सरकारी पैसों से धार्मिक पढ़ाई नहीं हो सकती तो सरकारी खर्च पर कुंभ मेले का आयोजन क्यों कराया गया। उदित राज ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कुंभ मेले पर 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। उदित राज ने कहा कि सरकारी पैसे से जब मदरसे नहीं चल सकते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन कैसे हुआ। ये ट्वीट करते ही उदित राज बीजेपी नेताओं और ट्रोल्स के निशाने पर आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इस ट्वीट ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उदित राज और कांग्रेस पर निशाना साधा। पात्रा ने इसके लिए राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, मित्रों ये है गांधी परिवार की सच्चाई। पहले एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं, और अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना कि कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए, तभी तो दुनिया कहती है राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। पात्रा के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुंभ मेले पर उदित राज की टिप्पणी पर कहा कि कुछ लोगों के पास विकास के लिए विचार और इच्छाएं नहीं है। वहीं मदरसे के साथ कुंभ मेले को जोड़कर उदित राज ने कांग्रेस को बुरी तरह फंसा दिया है। वैसे भी कांग्रेस नेता हिंदू विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस वोट बैंक के लिए कब तक धर्म की राजनीति करेगी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शिवसेना को इस बहाने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर हमला करने का बहाना मिल गया है। वैसे भी राज्यपाल और महाराष्ट्र सरकार के संबंध बेहतर नहीं हैं और सीएम उद्धव ठाकरे राज्यपाल से मिलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। इन सब के बीच राज्यपाल ने बीते दिनों उद्धव ठाकरे को मंदिर खोलने को लेकर चिट्ठी लिख दी। राज्यपाल कोश्यारी ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के चरणों में गिरे उद्धव ठाकरे को राज्यपाल की बात ही बुरी लग गई है। इसके बाद तो प्रदेश में खेल शुरू हो गया है। कल से ही शिवसेना राज्यपाल पर हमला कर रही है। मंदिर पर मचे घमासान को लेकर पार्टी के मुखपत्र सामना में राज्यपाल पर सवाल उठाए गए हैं। सामना में लिखा है कि राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति को कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भगत सिंह कोश्यारी ने दिखा दिया है। मुखपत्र में लिखा है कि राज्यपाल ने आ बैल मुझे मार जैसा व्यवहार किया, लेकिन वो ये कैसे भूल गए कि यहाँ बैल नहीं बल्कि शेर है। शिवसेना ने लिखा है कि श्रीमान कोश्यारी कभी संघ के प्रचारक या भाजपा के नेता रहे भी होंगे, लेकिन आज वो महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के राज्यपाल हैं। लगता है वो इस बात को अपनी सुविधा अनुसार भूल गए हैं। वहीं सामना के बाद सांसद संजय राउत ने भी राज्यपाल पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अगर मंदिर की बात है तो एक राष्ट्रीय पॉलिसी बनानी चाहिए, पीएम को खुलकर सामने आना चाहिए कि आज रात से सभी मंदिर खुलेंगे, हम फिर मंदिर खोल देंगे। मंदिरों को कोई बंद नहीं रखना चाहता है, लेकिन हमें लोगों की जानें बचानी है। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि हमारा संविधान, पीएम, राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद भी सेकुलर है। हिंदू तो हमारे दिल में है और व्यवहार में है, लेकिन देश संविधान पर चलता है जो सेकुलर है।
हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब राज्यपाल और शिवसेना के बीच ठन गई हो। पिछले दिनों राज्य में कोरोना को लेकर राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा था, उस दौरान भी शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार चिढ़ गई थी। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या संविधान की बात करने वाले शिवसेना को ये नहीं पता कि राज्यपाल भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार संविधान ने ही दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्रीज के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से कंगना बॉलीवुड के अंदर भ्रष्टाचार नेपोटिज्म पर सवाल उठाती रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े अभिनेताओं पर निशाना साधा है। पहले सुशांत की मौत मामले में, फिर महाराष्ट्र सरकार से उनका पंगा और अब बॉलीवुड के दिग्गजों का एकजुट होकर मीडिया के खिलाफत करना कंगना को रास नहीं आ रहा है, जिसके बाद कंगना ने बॉलीवुड पर ही जोरदार हमला बोला है। दरअसल बॉलीवुड का एक गैंग कुछ चैनल और मीडिया से जुड़े लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। इन लोगों का आरोप है कि मीडिया इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी सहित कई पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वालों में सलमान, शाहरुख, आमिर खान के अलावा 34 फिल्म उद्योग से जुड़े लोग शामिल हैं और इसी को लेकर कंगना ने बॉलीवुड पर निशाना साधा है। कंगना ने बॉलीवुड के एक खेमे की तुलना लकड़बग्घे तक से कर डाली। कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इन लोगों को सिर पर काम कर रहे वर्कर्स की कोई चिंता नहीं है। कंगना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में कुछ वर्कर्स फिल्म के सेट पर काम कर रहे हैं। वीडियो को साझा करते हुए कंगना ने लिखा, बॉलीवुड के सारे लकड़बग्घे उनका नाम लेने की वजह से मीडिया पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि ये ऐसी ताकत उस समय क्यों नहीं दिखाती जब मजदूरों, औरतों और स्टंटमैन के साथ अन्याय होता है। ये अपने मानवाधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरों के मानवाधिकारों के लिए कोई जोश नहीं दिखाते। गौरतलब है कि कंगना लगातार बॉलीवुड पर हमलावर रही हैं। कंगना अपने ट्वीट में हमेशा बॉलीवुड को बुलीवुड ही लिखती हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर सभी को बुली ही किया जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही भरोसा नहीं रहा। पार्टी एमपी में होने वाले उपचुनाव में अभी से ही मान चुकी है कि राहुल गांधी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। वैसे भी राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर जगह हार ही मिली है। लिहाजा पूर्व सीएम कमलनाथ इस बार राहुल के नाम पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी ने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। इतना ही नहीं, उस घोषणा पत्र के कवर पेज से एमपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का चेहरा भी गायब है। अब दोनों जगहों से राहुल और दिग्गी राजा के गायब होने से एमपी कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस नेता मयंक अग्रवाल ने कहा है कि हमने राहुल गांधी के नाम पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीता और दिग्विजय सिंह के पास राज्य में अनुयायियों की फौज है, इसीलिए उनकी तस्वीर जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई नेताओं ने तस्वीर हटाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला किया है। वहीं वचन पत्र पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ साथ कमलनाथ की तस्वीर छपी है। वैसे भी कमलनाथ सोनिया गांधी के करीबी ही रहे हैं और उनकी बदौलत ही सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए थे, जबकि दिग्विजय सिंह को कई बार राहुल गांधी की तरफदारी करते देखा गया है। ऐसे में एक बार फिर एमपी कांग्रेस के अंदर से गुटबाजी की बू आ रही है और ऐसा न हो कि दिग्गी राजा और कमलनाथ की लड़ाई में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाए। हालांकि उपचुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस जमीनी स्तर पर कमजोर हुई है। सिंधिया समर्थक हजारों कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, बड़ा सवाल है। हालांकि नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि शिवराज की कुर्सी रहेगी या कमलनाथ की लगेगी लॉटरी। लेकिन एमपी उपचुनाव से राहुल गांधी को दूर रखना ही बता रहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।